कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद आप विधायक हाथरस पहुंचे, इसके बाद संक्रमण फैलाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर कोरोना महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ हाथरस के चंदपा थाने में महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन पर आरोप है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद वो हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंचे और वहां बहुत से लोगों के संपर्क में आए। यूपी पुलिस ने आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जहां एक दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। 29 सितंबर को आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी दी थी कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके 5 दिन बाद कुलदीप कुमार ने अपने कुछ वीडियोस शेयर किए, जिसमें कहा गया कि वो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस में है, जहां वो गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। विधायक को रात में मास्क पहनकर पीड़िता के घर जाते हुए देखा गया, जहां उनके साथ कुछ पुलिस वाले और अन्य लोग भी थे। वहीं आप विधायक ने बुधवार को वीडियो के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद हाथरस जाने की बात का खंडन किया। मुझे टीवी मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि हाथरस पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और आईटी सेल ने मिलकर जो प्रोपेगंडा फैलाया था कि आप विधायक कोरोना संक्रमित होकर हाथरस गए हैं। साथियों, ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूँ और ये झूठा प्रोपेगंडा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि जिस प्रकार की गिरी हुई हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है उन आरोपियों को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है और ये इससे पूरा दलित समुदाय कहीं ना कहीं आहत है कि पूरी भाजपा मिलकर किस प्रकार से आरोपियों को बचाने का खेल खेल रही है। दिल्ली के कोंडली विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप कुमार के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मंगलवार को बुलगड़ी गांव को सैनिटाइज किया, लोगों को मास्क भी बांटे, गांव के लोगों के सैंपल्स भी लिए। इससे पहले पीड़ित परिवार का सैंपल भी लिया जा चुका है। टोटल न्यूज के लिए साहिल भामरे की रिपोर्ट।